राम राम बहनों, बैसाख को महीनो है। इन बरकत की कहानी सुनी जाए तो दो दादी पोती होती। जो बे दादी आप गए रोज बैसाख के महीना में सिंचन जानती पिंपल और कहानी कहती। तो कहानी कह जन बापड़ी कोई चार लुगाई और आ जाए बा पोती साग उड़ जाती छोटी होती। बा बरकत की कहानी कहती जब घरे कहती भी घरे बरकत हुए मेरा छो बहू बेटा में कमाई में हमें बरकत होना चाहिए। भी मैं तो बूढ़ी लगाई हूँ, मन तो के करना है, मैं सिमर से हूँ, ये तो बापड़ा काम करता रहे, मैं बेली हूँ करूँ। जब आप गए बैसाख का महीना बड़ पिंपल सींच आती आकर घरे आती जन आप गए दिया धूप आप गए देवता का कर गेर आप गए सींच गेर कहानी कहती। कहानी डेली बिंगू नेम हो नित नेम गिरा हूँ। कह बेटा बरकत की कहानी कौन है, बरकत हो जाए घर में चोरा का पीसा में जिको कहूँ घरा भर दो। जो बा कह मेरे काम है, बा कह मेरे काम है, तीन चार भुआ टेम कौन। जब पोती छोटी सी कह दादी मैं हूँ घरा दे दूँ तो कहानी कह दे मैं ही सुन सी हूँ बा छोटी ही हुआ टाबर छोटी जन बाप गए दादी कहानी के बो करती बैठी बैठी घरेर बाप गए घरा दे बो करती। कहानी सुन गए दादी पोते दादी तो भाई हो गया जन आप गो जुमन कर दिन दिया जूना कर दिया जूनो तो कितो कह बन बो आप गो दापन कर दियो। अरे बा दादी पोती को टाबर ही है दाना तू घरा ही देन तीर क्या मी करनो क्या मी नहीं। तो बिन कहानी तो लागू होगी बा दाना लिया तो गए माँ कहानी सुनी जन लागू हो जे। तो आपका दादी तो छोरी तो दिन दुगुनी रात चौगुनी बात तो मोटी हुई बापड़े घर में सुख संपत्ति। बरकत की कहानी सुनी जो बरकत होने लगी बूढ़ी माई के घर में। सारा बेटा भूख है माँ देख तू कितनी मेरी पाठ पूजा करे। बरकत की कहानी सुने जन सारो की हुआ देख तू बरकत होने लगी सारी चीज़ में अन्न मेहर धन मेहर कमाई में सारो की। जब बात छोरी आपको मोट सारी होगी जन रिश्ता ला के बेटा कोई छोटो परिवार ढूंढियो। मेरी पोती लाडे सरे लाडे कोडे पाड़ी हूँ यार दादी का बोली लाडली यार के अच्छो कोई घर बार देखियो और धार्मिक देखियो। जो मैं जाऊँ नहीं मंदिर में भजन गान जाऊँ तो मेरे सागे मंदिर में पाठ पूजा करे कहानी कथा सुने तो धार्मिक होगी। इन कोई और मतलब को नहीं यार इन्हें आपका अच्छी तरह यही नाम ले देवी देवता को या भगवान का नाम हो। तो कोई दिन गई उठ गए भगवान को नाम लिया भूसो ढूंढ आयो जन भाई ढूंढन गया। ढूंढ गया कह बेटा रिश्तेदार देख आवे छोरी देख आवे जन बा दादी कह भाई पहला माँ बैठे बडेरा वहाँ का निजार बैठे आया रिश्तेदार बैठा जन बा माँ दादी कह कभी पेट खाना राम खाना जन कह भाई मितू कह राम खाना पेट खाना कह पेट खाना के यहाँ तो कह भाई दिन के उठता ही कह कोई छारा बड़ी पिए कोई नाश्तो करे कोई दही रोटी खावे और कोई राम खाना है जगह नहा दोगे दिन के भगवान को नाम लेवे मंदिर में पूजा पाठ करे कोई सूर्य लोटो डाले जिसो हुआ विसो ही करे गणेश की कोई कथा कहानी सुने तो वो राम खानो जन कहे तो कह भाई मैं तो इसो ढूंढ सिया। तो भाई ढूंढ गया देख उठ गया जन भाई देख रही कह आपने तो एक ही छोरो एक ही घर बार सुनो है परिवार है यार सुखी है शुद्ध है कह छोरा का माँ बाप जे हुआ है तो ढूंढा तो इसी छोरी ढूंढा के धार्मिक चुको की बोले कौन है अच्छा माड़ो की कौन कह नहीं सामने कौन बोले दादी शिक्षा अच्छी दे के झूठ मारना पड़ सी दादी आ गया। तो भाई और आया कोई यहाँ देखे जदि कह के भाई वे तो सारा जना आप राम खाना झूठ खाना यही है कह देखे जन बे के ना भाई मारे राम को नाम लिया थे ब्याह छोरी देव का सुनी छोरी है मारी छोरो सुनो है अच्छी जोड़ी जचगी भाई ऐरा छो धन माल दे गए लाडा कोडो ब्याह दी दे दियो जन आपका दिन गई उठ गए बिंगे तो बापड़ी में सुनती भाई करती जन दिन गए उठ गए नहा दो गए आपका देवता के पाठ पूजा करने मंदिर में साफ सफाई करने लोटो डालना फिर आपका घर को काम लाग जे करने लाग जे। तो बा कहानी सुनती नहीं बा दादी बिंगो कोई उजमन कौन करी और बिंगो आप गई हो सारी कहानियाँ उदापन कर देती। दादी तो सुने रखती कि नहीं सुनाई रखती पर आप वाले कर लियो बिंगाड़े कौन करियो। तो बा आप कह बेटा आप तो कई दिन हो गया सासू पो के घालती देती तू और काम कर ले अब कह भाई बहू है तू अब रोटी पोने लगा के। तो भाई पहला यहाँ करता के काम है खिचड़ो बनाता। तो बा आपका एक टाइम शाम ने खिचड़ो बनावा दिन के खा लिया शाम ने बना सारा दिन खिचड़ो दिन के आपका रोटी सब्जी बनाए। तो शाम ने खिचड़ो बनावे कदलियो बनावे तो बस जिम्मे नहीं जन सारो की बना लिया जना लास्ट में बहू ने कह भाई मैं छिकड़ी जिम सी हूँ कह पहला जिमू को नहीं मार रहा रही तय कह थोड़ो सुरा खुरचन खरचन कुचर की गल है कह बेटा और बना ले का थोड़ो सुरी है कह वो तो कह तो ही थोड़ी जे ठा को नहीं तो तड़का ज़्यादा बनाई तो बा सासू बनावा तो ही बितो बच्चे बहू बनाई तो जमाई कौन बच्चे तने बस थकन लागी कह भाई यहाँ कह तू थके क्यों है मैं तन की कौन को माई कौन कह लाड को डो तो बठू आई इतो ही तेरू लाड अठे अच्छो तन पैर न उडने मिले तू थके क्यों जी कौन लागे किया कह सारो ही किया बड़ मन अन्न कौन मिले कह अन्न तन क्यों कौन मिले कहते देख लियो थारी माँ मन हाथन रोटी गाल है जद कह देखे जन माँ घणो लाड रखे बना बिंग भगवान की कुदरत बिंग उदापन कौन करो बिन अन्न कौन मिले जन भाई सारा जी मिले तीन धाप धाप तो खिचड़ो तो निवड़ जे एकदम ही नी भगवान की कुदरतों वो तो बुढ़ सारो पड़े और निवड़ जे गालन लागे जन जमाई थोड़ो सो खुरचन कुचर के दिन कह तू यहाँ करे वो तो मन दे और तू मेरे लिए थाली में ठलिया के जिम से माँ मन गा दे कमरे में जिम से ठेर के सिर दुख है कहले भाई ले जा जन के वो तो मेल दियो बा कह मने गाल दियो तो फिर कुरचर काचर गेर भी नहीं गाल दियो हंडी दो गे रख दी पानी गाल दियो जाके देखे तो कह मैं ओ जिमूर थे ओ जिमूर जन आज तू मेर लो जिम ले मैं तेर लो। अब 2-3 दिन बाद तो छोरी जन सेन कर लियो और छोरा कदो है भूखो रही जाए बाप गए ने कलम लाई जियो का बेटा वो तो थकियो जो कि थकी तू और थकन लग गयो के बात होगी है बिसी बताओ कि माँ मन अन्न कोरी मिले तू गुण ही बनावा इन बनाने दे बा बनावा जन जमा ही थोड़ो होने लग गयो कि बेटा 5 शेर बना लेकर 5 शेर बनावा तो ही थोड़ो रोटी पुआ तो ही थोड़ी कमा दोनों टी में भूखा रहा जन थकी श्याक है तब मैं रोटी खाने लग गया मैं तो कह तो कहतों बेटा पीर ले जाए नर बन पूछी भी के बात होगी के नहीं मैं तो इसो जानो को नहीं दादी की जाने है कथा कहानी सुनावे कह भी न ध्यान होनो के बात होगी जाके देखे तो यहाँ कह देखो तो सरी दादी ने बुलाई कह वो देखो सरी कह थारी पोती आई है सासरों थकेड़ी आई है कह आ कह मन पीर सासरा अन्न को मिले कह मैं बनाऊँ तो ही यार मेरे सासू बनावा तो ही मैं जिम्मा तो ही 1.25 शेर 2.5 शेर 5 शेर बना लग गया तो ही मन्नत तो कह अन्न लास्ट में जागे रिशोनी उड़ा सारा जिम ले बच्चेड़ी बने तो यहाँ लगा जान छाबड़ियो खाली होगी गालन लगे जाना कहा की बात है कि ओए बेटा मैं तो कहानी सुनती तू गारा देती यार तैं तो कदे उदापन करियो को नहीं मेरो तो कर दियो कह तो कहेंगो के उदापन हुआ है जन कह ओ उदापन करा के लियाओ छोरी ने कह एक कर तो ठीक करा दियो और फिर तू बट्ठा कहानी सुन ले लिया बेटा तेने कहानी सुनाऊँ आज की तो रठ उदापन कर दे जब दादी तो कहानी सुना और पोती करा दे सुन लींदी सुन ली जला जागियाँ कहती ने मिश्री का गट्ट लियाओ गट्टा सा लियो आपका डड़ी एर एक गट्ट लियो 7 लूंग लियो टोपी वाला लूंग होना चाहिए सोना मोटा मोटा यार ऊपर दक्षिणा चाहिए भाई सुआ नाल रोली मोली बत वही यार बेली जागे और गटके कर गिर सुआ नाल बांध ऊपर नहीं ठाकुर जी को मंदिर हुआ ना ही मिले तो राम लक्ष्मण को बांगो तो मंदिर ही हुई है यार जी इकट्ठे ही हुआ है तो भाई मंदिर में ही जाके रखी जे हो तो भगवान को मंदिर अभी मैं जाके रखे ठाकुर जी गए बट रख गए मंदिर गए माँ यार चूल्हो बनावा जिया भी 3 डड़ी हुआ है जबकि एक लारे रख दे 2 साइडा में रख गए 7 लूंग भी वहाँ रख दे ऊपर वो गट रख दे और 10 रुपया आप गए भगवान गए चरणा में रख दे भीमा कह लियो भी बरकत देवता हे भगवान श्री राम ठाकुर जी महाराज है मारा हाथ में पीसा में काया माया मई मारी जो कुछ भी काम कराने भी बरकत होना चाहिए भी अन्न में धन में भी अन्न बढ़ावा कमावा तो भी बरकत होनी चाहिए रुपया कोई कमावा तो भी बरकत होनी चाहिए क्यों कमावा घणो यहाँ बरकत को नहीं हुआ उत खाते लाग जाए दवा दवा ही लाग जाए यार कई बार ये है थोड़ा पीसा में बची जाए यार अपने घर को काम ही सर जाए तो अपना बरकत हो जाए वाह बरकत की कथा हुआ तो वो तो कि उदापन है ज़्यादा कोनी तो बिंगो पोती को ले जाए उदापन करियो कर गिर ले गया कर ले भाई ले जा बेटा ताने कहानी सुना दी तू याद कर ले सासू को घर जाके सुन लियो तो थारे घर में सोनी बरकत होने लाग जी कह तो भाई क्या अपन चलना के कचाल तो कह बस के कह ठीक है के हाँ मैं सुन लींदी कहानी अरे अपन चलना घरे तड़काऊँ कहानी सुन स्या जेठ के महीने सुनो अरे चाहे बेसा के महीने सुनो आ कहानी सुननी जरूरी है अगर या पो गए महीने सुनी जे सक्रांता कन सी फिर सुनी जे को नहीं तो भाई बात तो आप गई का थोड़ा दिन रही है चलना बेसा का कह आगे के बेटा पूछे कि कुकर अब तो राजी खुशी आई है बन के करूँ मेरे तो बहू न ठन को नहीं मिला कमा जी सोई की मिल सी अपन के तो कह लियाओ मिश्री की डड़ी लियाओ थारी लियाओ और मेरी लियाओ रांगी लियाओ बरकत की कहानी सुन सका रोज दिन आप गए बेटो कमावे वो आदमी कमावे ससुर कमावे पे आप के दिन गई उठ के दबा दब गाया बेचेंगो कर काम ना दोगे सास बूर पानी का लोटो ले बैठ जे तो बे तो भाई बाद में लास्ट दिन तो डली लिया भाई मिश्री गिनी भी थाली मंगा लगे मेल गिर फिर कहानी सुनी जे भी सुने जना बत कह भाई शुरू पोत में ही कर लिया के ठाक दाना ले लिया हाथ गए मार आप पानी का लोटो ले गिर बरकत की कहानी सुन ली और 7 दिन हो गया जो ठाकुर जी के मंदिर में जा गिर भी मिश्री की डली में लियो ऊपर गट में लियो और जब से ना रुपया कर 7 लोग दे के नीचे हाथ जोड़ के बैठ गया विनती करी आग मिच के भी आ लियो भगवान है मारे भाई बहू ने अच्छी तरह अन्न मिलना चाहिए हमारी कमाई में बरकत होना चाहिए हमारे अन्न में बरकत होना चाहिए जो को भी काम करा आप रोटी बनावा तो बरकत हो है तो थोड़ी बनाए पूरी सर्जिया जो बूढ़ी बनावा बरकत ना हो तो ही पूरी कौन सर है तो आप बरकत की कहानी है थे उदापन बता दियो जरूर सुनियो और सीखियो और जरूर आ उदापन करियो और वीडियो लाइक करियो शेयर करियो सारी बहना ने बेसा कमीनेंगी राम ही राम।